तो रसल मैन 39 में दो जानवर एक रिंग में आने वाले हैं, यानी हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और हमारे नाइजेरियन जायंट ओमाज एक रिंग में आने वाले हैं। क्या सच में हमारे ब्रॉक लेसनर 400 पाउंड से भी ज्यादा हमारे ओमाज को उछाल नहीं सकते? क्या सच में हमको WWE सिर्फ एक स्टोरी लाइन के तौर पर ये दिखा रही है? चलिए जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, हमारे ब्रॉक लेसनर और ओमाज दो बार एक रिंग में आए थे और तभी भी हमारे ओमाज हमारे ब्रॉक लेसनर के ऊपर भारी पड़ गए थे। आखिर दोस्तों, इस ब्रॉक लेसनर जैसे दानव का क्यों WWE ऐसा इंसल्ट कर रही है? तो आपको बता दो, ये सिर्फ स्टोरी लाइन का भाग है और स्टोरी लाइन के कारण हमारे ब्रॉक लेसनर को ओमास के सामने इतना कमजोर माना रहे, क्योंकि रसलमेनिया तक इस मैच की काफी बड़ी हाइप होनी चाहिए, क्योंकि ओमास जैसा शक्तिशाली दानव ब्रॉक लेसनर के सामने काफी बड़ा दिखना चाहिए और हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर काफी छोटे दिखने चाहिए, ऐसा WWE को लगता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हमारे ओमास को सच्ची में ब्रॉक लेसनर FI दे सकते हैं फिर नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बात बता दूं कि हमारे ओमास 400 प्लस पाउंड है और ब्रॉक लेसनर ने अपने जवानी के दिनों में भिक्षो जैसे सुपरस्टार को FI दिया है और कई सारे कारनामे में हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने WWE में किए। तो ओमास की झाड़ की पत्ती है ब्रॉक लेसनर के सामने। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रसलमेनिया 39 में हमारे ब्रॉक लेसनर 100% ओमास को FI देने वाले और ब्रॉक के करियर की अब तक की सबसे खतरनाक और हार्ड मैच होने वाली है और यह मैच WWE में इतिहास रचने वाली है। बाय द वे दोस्तों, आपको क्या लगता है, रसलमेनिया 39 में हमारे ब्रॉक लेसनर सच्ची में ओमास को FI दे सकते हैं फिर नहीं? कमेंट्स करके जरूर बताना। देखा तो ब्रॉक लेसनर के फैंस की ब्रॉक लेसनर भी ओमास को FI दे सकते हैं। मेरे कमेंट्स के मुताबिक तो 100% FI दे सकते हैं। आपके क्या कमेंट्स है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो देखते देखते आपको कौन सा टॉपिक सूझा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या पता अगला वीडियो आपके टॉपिक के ऊपर बन जाए।